नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में रिल्यूब आई ड्रॉप के बारे में। देखेंगे इसके यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कितनी बार डालने की आती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, काम किस तरह से करती है, ये सावधानी मतलब इस पर क्या रखनी पड़ती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, रिल्यूब एक आई ड्रॉप आती है, यानी आंख पर डालने की एक ड्रॉप आती है जो सिर्फ आंखों में ही डाली जाती है, इसके अलावा और कहीं पर भी डालने नहीं आती है। दोस्तों, इसको आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंखों को चेक करके प्रिस्क्राइब करते हैं। आपको कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सेंचुर कंपनी का प्रोडक्ट आता है, काफी अच्छी कंपनी है। जैसे कि सिनारेस्ट टेबलेट आती है, तो इस तरह से ये बनाती है, मतलब सिनारेस्ट काफी पॉपुलर टेबलेट आती है, सिरप भी आती है, टेबलेट भी आती है, तो उसी कंपनी का ही प्रोडक्ट आता है रिल्यूब। ठीक है, आइए जानते हैं भाई ये आंखों में डालने के लिए क्यों देते हैं, आई स्पेशलिस्ट क्यों देते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो कंटेंट आता है उसका नाम है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस 0.5%। दोस्तों, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस एक आर्टिफिशियल टीयर होता है, यानी आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट होता है जो आंखों में डालने के लिए दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म में ज्यादा चलता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों, जब आंखों के अंदर जो नेचुरल लुब्रिकेंट होता है जो आंखों को नमी प्रदान करता है, आंखों को ड्राई होने से बचाता है, आंखों का जो नेचुरल आंसू यानी टीयर होता है वो कुछ कारणवश कम बनने लगता है या फिर बनना बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, तो वहां पर फिर डॉक्टर कुछ टाइम के लिए इस आर्टिफिशियल आंसू को लुब्रिकेंट को देते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर उसकी कमी हो जाती है तो आंखों में कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि सबसे पहले जो होता है वो है ड्राई आई, यानी आंखें सूखी रह सकती है, आंखें टाइट रहती है, या फिर आंखों में इरिटेशन हो सकता है, इचिंग वगैरह चल सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब आंखों में आंसू या लुब्रिकेंट की कमी होती है तो आंखों में इन्फेक्शन होने के चांस जल्दी होते हैं, यानी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो वहां पर इन सभी प्रॉब्लम्स को देखकर इनसे बचाने के लिए, या इन प्रॉब्लम में अगर है व्यक्ति तो वहां पर इनको ठीक करने के लिए डॉक्टर दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं भाई काम किस तरह से करता है। तो जैसा मैंने कहा, एक लुब्रिकेंट होता है आर्टिफिशियल, लेकिन काम उस तरह से करता है जिस तरह से नेचुरल आंख के अंदर नेचुरल लुब्रिकेंट करता है। आंखों को लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन करने के लिए, मॉइस्चराइजर करने के लिए, आंखों में नमी प्रदान करने के लिए ये काम करता है, लुब्रिकेंट करता है आंखों को। बात करते हैं भाई डोज क्या डाले, कितने दिन तक डाले। वैसे तो अपने आंखों के डॉक्टर के हिसाब से ही डालनी चाहिए जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। अगर इसमें नॉर्मल डोज की बात करूं तो दिन में 2 से 3 बार आप डाल सकते हैं, ज्यादा लंबे नहीं चलती, 7 दिन 10 दिन 15 दिन तक चल सकती है, ज्यादा लंबे नहीं चलती, उसके बाद डॉक्टर बंद कर देते हैं। लेकिन आपको जितना दिन का है उतना दिन डालना चाहिए, कुछ केसेस में थोड़ा लंबा भी चल सकता है, ऐसा नहीं है कि 7 दिन डलती है, कुछ केसेस में थोड़ा लंबा यानी 1 मंथ तक भी चल सकती है, लेकिन बहुत ही कम चांस में ऐसा होता है। दोस्तों, इसकी यही साइड इफेक्ट है कि डालने के बाद हो सकता है कि आंखों में खुजली चलने लगे, आंखें लाल पड़ जाए, या आंखों में जलन होने लगे, धुंधला दिखने लगे, लेकिन ये भी बहुत ही कम चांस में होते हैं, हर किसी के साथ नहीं होते। सावधानी इसकी ये है, कभी भी आपको सेल्फ यूज नहीं करना है। कोई महिला प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में तो भी डॉक्टर की सलाह से ही डालना है, सेल्फ यूज वहां पर भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर ज्यादा साइड इफेक्ट हो, आंखों में ज्यादा जलन होते हैं, अगर टेम्परेरी ना होकर रेगुलर रहने लगते हैं तो डॉक्टर को जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में।